नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सांकल आपका फिर से यूटर्न डिजिटल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम तीन पजल और देखने वाले हैं, जिसमें टोटल 10 सवाल आपके सामने आएंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है कि 8 व्यक्ति जो हैं दो समांतर पंक्तियों में बैठे हैं। दोस्तों, यहाँ पे 8 व्यक्ति दे रखे हैं और दो समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, और इसमें बताया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति बैठे हैं और वो इस प्रकार बैठे हैं कि पंक्ति 1 जो है उसमें ABCD बैठे हैं और पंक्ति 2 में PQRS है, और जो पंक्ति 1 में 4 व्यक्ति हैं ABCD, इन चारों का जो चेहरा है वो दक्षिण दिशा में है, और ये चारों जो हैं ABCD वो आगरा, दिल्ली और सूरत और नोएडा से हैं, और पंक्ति 2 जो है इसमें PQRS, इसमें भी 4 व्यक्ति बैठे हैं और इन सभी का चेहरा उत्तर दिशा में है। दोस्तों, ध्यान रखें, पंक्ति 1 जो है इसमें जितने भी व्यक्ति बैठे हैं उन सभी का चेहरा दक्षिण दिशा में है, और पंक्ति 2 में बैठे हुए व्यक्तियों का चेहरा उत्तर दिशा में है। कौन सा व्यक्ति किस पंक्ति में है ये भी आपको ध्यान रखना है, और कौन सा व्यक्ति किस जगह से है, जैसे कि पंक्ति 2 में बैठे हुए व्यक्ति पुणे, कटरा, जयपुर और जम्मू से है। तो दोस्तों, मैं इसका एक हल्का सा लेआउट आपके सामने बना के रखता हूँ, जिसमें जो लेआउट मैंने बना रखा है वो आपके सामने ये रहा। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर ये लेआउट बना चुके हैं, जिसमें ऊपर वाली फर्स्ट रो होगी और सेकंड जो रो होगी वो नीचे है, और फर्स्ट रो में जो व्यक्ति बैठेगा उनका चेहरा दक्षिण नीचे होगा, और सेकंड रो में जो व्यक्ति PQRS होंगे उनका चेहरा नॉर्थ उत्तर में होगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक और केस बना लिया है, जहाँ पे जरूरत बनेगी तो मैं यहाँ पर भी बनाऊंगा, नहीं तो फिर मैं एक में ही काम करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट इसने बोला कि बी उस व्यक्ति के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है जो दिल्ली से है। तो दोस्तों, बी जो है ऊपर ही होगा, क्योंकि ABCD के लिए ऊपर वाली रो है, तो बी उस व्यक्ति के दाहिनी और दूसरे स्थान पे। जब चेहरा नीचे होता है तो लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर, मैंने साइड में लिख लिया है। तो बी उस व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान पर बैठेगा जो दिल्ली से है। तो दोस्तों, हो सकता है कि दिल्ली से ये हो जाए, इस किनारे पे जो बैठा है, यदि ये दिल्ली से हो गया तो इसका चेहरा नीचे और ये लेफ्ट और ये राइट होगा, और राइट में दूसरे स्थान पे जो बी बैठा है, तो यहाँ पर मैं जो है बी का नाम लिखूंगा। तो यहाँ पर बी आ चुका है, आगे चलते हैं। लेकिन इसका एक और केस पॉसिबल है कि दिल्ली यहाँ हुआ तो एक छोट के बी इधर हुआ, लेकिन यहाँ पे दिल्ली हो गया सेकेंड पोजिशन राइट से, तो इधर भी तो बी आ सकता है। तो दोस्तों, एक और केस आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा कि दोस्तों यहाँ पर क्या पता हो सकता है कि दिल्ली हो, इसका चेहरा नीचे दक्षिण में, तो ये लेफ्ट और ये राइट होगा, और राइट में यहाँ पर सेकंड नंबर पे बी आएगा। तो दोस्तों, इस पहली पंक्ति से हमारे दो केस यहाँ पे शुरू हो गए, तो हमने इसको बना लिया है। अब आगे पढ़ने वाले हैं। आगे लिखा हुआ है दोस्तों कि सी उस व्यक्ति के विपरीत में बैठा है जो कतरा से है। इसका मतलब सी तो ऊपर ही आएगा, और सी जहां पर भी आएगा उसके सामने जो है कतरा कंफर्म है, तो आप इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये तो हमने लिख लिया, लेकिन जब आगे सेंटेंस को पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पे पता चलेगा जो एस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो जो आया है दोस्तों कतरा के लिए, तो कटरा जो है वो एस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, और कटरा के सामने विपरीत में सी भी है। तो दोस्तों, एस तो नीचे ही कहीं आएगा, एस अगर मैं यहां लिखता हूं तो इसका चेहरा उत्तर में होगा, तो बाएं दूसरे स्थान पे कटरा यहां पे आएगा, तो यहां पर कटरा आने से ऊपर सामने सी नहीं आ पाता दोस्तों, इसका मतलब यहां पे एस आएगा नहीं। तो ये फाइनल हो गया दोस्तों कि एस इधर आएगा, और इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पे जो भी व्यक्ति बैठेगा, एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पे जो भी व्यक्ति बैठेगा वो कटरा से होगा, तो यहाँ पे मैंने कटरा लिख दिया है, और कटरा के ठीक सामने जो है वहां पे सी लिखना होगा। तो इस केस में एस इधर सेट हुआ, अब इस केस में देखते हैं। तो दोस्तों, इस केस में एस आएगा नहीं, क्योंकि उसके बाईं ओर जगह नहीं होगी फिर कटरा आने की। यहाँ पे एस आएगा नहीं, क्योंकि दो छोड़ के उधर कटरा आ नहीं पाएगा, लेकिन यहां पर भी दोस्तों एस आएगा नहीं, क्योंकि इधर एस लिख दिया तो दो छोट के इधर कटरा तो आ जाएगा, लेकिन कटरा के सामने सी नहीं आ पाएगा। तो इस केस में दोस्तों एस इधर आएगा, और एक छोट के बाईं ओर दूसरे स्थान पे यहाँ पे कटरा आ जाएगा, और उसके कटरा के विपरीत सामने जो है यहाँ पर सी बैठेगा। तो दो अलग अलग केस यहाँ पर बनाए हैं, और इन दोनों केस में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी थी दोनों को साथ में लेके हम यहाँ पर बना रहे हैं।
आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और आगे लिखा हुआ है कि क्यों उस व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है जो जयपुर से है। तो दोस्तों क्यों तो नीचे ही आएगा और जयपुर भी नीचे ही आएगा। अब इसने बोला जयपुर के ठीक बाईनी ओर, क्यों उस व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है जो जयपुर से है। तो दोस्तों जयपुर यहां पर आ गया तो क्यों इधर आ जाएगा, एस के नीचे जयपुर आ गया तो भी क्यों आ सकता है जयपुर यहाँ पे। तो इसका मतलब अभी जयपुर के बैठाने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो मैं यहाँ पे साइड में हिंट लिख दूंगा कि क्यों जो है वो जयपुर के ठीक बाईनी ओर आएगा। इसका मतलब यहां पर साथ साथ में ही होने चाहिए। आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों आगे जब आप पढ़ोगे तो यहां पे लिखा कि ए उस व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है जो नोएडा से है। तो दोस्तों ए तो ऊपर ही आएगा, इसका मतलब दाया तो इधर होगा राइट में, क्योंकि चेहरा साउथ में है तो दक्षिण उधर हो गया। तो ए उस व्यक्ति के ठीक दाएं जो नोएडा से है। तो दोस्तों यहां पर नोएडा आता तो इसका चेहरा नीचे तो यहां पर ए आता, लेकिन नोएडा यहां पर तो ये आ नहीं पाएगा, नोएडा यहां पर तो ये आ नहीं पाएगा, और इधर नोएडा तो इधर ये आ नहीं पाएगा। तो इस पहले केस में ये ए और नोएडा वाला पॉइंट सेट नहीं होगा, क्योंकि नोएडा इधर होता है तो ही यहां पर ए आता, तो ये गलत हो जाता है। इसका मतलब इस केस में नोएडा इधर आएगा। दोस्तों नोएडा इधर आने से इसका चेहरा नीचे दक्षिण में तो ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, तो ए जो है इसके दाहिनी ओर होगा तो यहां पर आएगा। तो दोस्तों ए आ गया, सी आ गया, बी आ गया, तो बचा हुआ डी जो है इधर ही आएगा। ये वाला पॉइंट भी कंफर्म हो गया। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों। आगे लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति जो पुणे से है वो बी के विपरीत में बैठा है। तो दोस्तों ये वाला केस तो अब हम सोचेंगे नहीं, क्योंकि ये गलत हो गया, और बी के विपरीत में ये जगह खाली है तो यहाँ पे पुणे से व्यक्ति आएगा। आगे लिखा हुआ है कि पी उस व्यक्ति के विपरीत में बैठा है जो आगरा से है। तो दोस्तों पी तो यहाँ पे नीचे ही आएगा और आगरा कहीं ऊपर ही आएगा। तो इसने बोला कि पी उस व्यक्ति के विपरीत बैठा है जो आगरा से है, तो सी आगरा हुआ तो पी कटरा में आएगा, और बी आगरा हुआ तो यहाँ पे पी पुणे में आएगा। लेकिन इसने बोला कि अंत में नहीं है, पी जो है उस व्यक्ति के विपरीत बैठा है जो आगरा से है, लेकिन अंत में नहीं है, इसका मतलब पंक्ति के किनारे पे नहीं है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि आगरा यहीं पे आएगा दोस्तों, और आगरा के सामने जो है पी यहां पर आएगा, और पी यहां पर आ गया, और एस पहले से इधर है तो ये वाला पॉइंट भी सेट हो गया। यहां से दोस्तों मैंने यहां पे लिख लिया, यहां पे बीच में जगह नहीं है इसलिए। अब दोस्तों यहां पर चार जगह दे रखी थी, आगरा, दिल्ली और नोएडा तो सेट हो गया है। तो अब जो भी नाम बचा है वो सूरत यहां पे लिखना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों जयपुर के बाईनी ओर होगा और ये नीचे वाली लाइन में ही आएगा। तो दोस्तों जयपुर यदि मैं यहां पे लिखता हूं कटरा के तुरंत पास में दाहिनी ओर, तो क्यों यहां पर आएगा नहीं उसके बाईनी ओर, क्योंकि यहां पे तो पी लिखा हुआ है। तो दोस्तों जयपुर यहां पर कंफर्म हो गया, और जयपुर यहां पर कंफर्म हो गया तो इसका चेहरा उत्तर दिशा में है, इसलिए बाईनी ओर यहां पर क्यों सेट हो गया, और जो आपने इसको साइड में रखा था वो भी इसमें पूरा हो चुका है। अब दोस्तों यहां पर पी क्यू और एस यहां पर आ चुका है, तो एक व्यक्ति का नाम बचा, उसका नाम आर है, तो मैंने यहां पर लिख लिया है। और दोस्तों चार जगह भी है यहां पर, पुणे, कटरा और जयपुर, जिसमें से एक जम्मू बच गई, तो जम्मू जो है यहां पर क्यू के लिए आ चुकी है। तो दोस्तों इस पजल को मैंने सेट किया, और इस पजल में जो हमारा आंसर हुआ है वो ये वाला पॉइंट है। तो आप भी कोशिश करें जो पॉइंट आपका हिंट में रखा जाए तो उसको साइड में रख लें, नहीं तो आप दो दो केस बना के सॉल्व करें। कभी भी दोस्तों एग्जाम में एक केस बना के आप ऐसे नहीं सोचे कि मेरा सही होगा, मैं एक केस में कर लूं, यदि आपका गलत हो गया तो फिर वहां पर आंसर नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों अब इस पे आधारित पांच सवाल देखने वाले हैं, जिसमें पहला सवाल आपके सामने ये रहा। दोस्तों पहला सवाल आपके सामने दे रखा है, और इसने बोला ए और वह व्यक्ति जो सूरत से है। पहले तो आप बताएं मुझे कि वह व्यक्ति जो सूरत से है इसमें कौन होगा, तो वो बी है। तो दोस्तों इसने सीधा बोला है कि ए और बी के मध्य में कौन बैठा है। तो दोस्तों ए यहां पर है और बी सूरत से है, इनके बीच में जो बैठा है वो सी बैठा है जो आगरा से है। तो पहले का जो आंसर होगा वो बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हुआ है। क्वेश्चन सेकंड आपके सामने है, और इसने बोला कि निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। तो पंक्ति के दो यहां पर छोर हैं, एक बाईनी छोर और दाईनी छोर, लेकिन पंक्ति यहां पे दो है तो यहां पे चार किनारे हो चुके हैं। एक ऊपर वाली पंक्ति फर्स्ट है जिसके दो छोर हैं, और दूसरी पंक्ति नीचे वाली जिसके दो छोर है। तो अब देखते हैं,
तो पहला इसने बोला कि पंक्ति के किनारे पे कौन बैठा है, तो पहले में बोला कि क्यू और वह व्यक्ति जो पुणे से है। तो दोस्तों क्यू यहाँ पर जो पंक्ति के छोर पे बैठा ही नहीं, वो तो बीच में, तो आपका ए गलत हो गया। बी इसने बोला कि आर और वह व्यक्ति जो जम्मू से है, तो दोस्तों आर यहाँ पर है और जम्मू तो बीच में है, पंक्ति के किनारे पे नहीं हुआ, तो ये आपका बी भी गलत हो गया। दोस्तों ऐसे ही आप हर एक विकल्प को ध्यान से पढ़ें और जो यहाँ पर पंक्ति के किनारों की दोनों की बात करें वो आपका सही होगा। एस और वो व्यक्ति जो कटरा से हैं, तो दोस्तों कटरा तो यहाँ पर बीच में आ गया, तो ये सी विकल्प भी आपका गलत हो गया। आगे लिखा है कि डी और वो व्यक्ति जो सूरत से हैं, तो दोस्तों डी यहाँ पर है और सूरत वाला व्यक्ति इस किनारे पे, इसका मतलब जो पंक्तिम छोर पे है वो डी आपका बिल्कुल सही हो गया। तो दोस्तों ये ई आपका सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ए की बात हुई और ए यहाँ पर बीच में है। तो दोस्तों सेकंड का यहाँ पर जो आंसर हुआ है वो डी हुआ है। अब यहाँ पर आने वाला है क्वेश्चन नंबर तीसरा। दोस्तों तीसरा सवाल आपके सामने है और इसमें बोला कि निम्नलिखित में से किसका मुख जो है उस व्यक्ति की ओर है जो जम्मू से है। तो दोस्तों जम्मू आपको यहाँ पर मिलेगा और इसने बोला किस व्यक्ति का चेहरा जम्मू की ओर है, तो यहाँ पे हम कहेंगे ए या फिर वह व्यक्ति जो दिल्ली से है। तो दोस्तों या तो ए लिखा आएगा या फिर लिखा आएगा वह व्यक्ति जो दिल्ली से है। तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली कहाँ लिखा हुआ है इसमें, तो इसमें आंसर होगा वह व्यक्ति जो दिल्ली से है। यहाँ पे को नहीं दोस्तों, जो यहाँ पर आएगा, तो तीसरे का जो आंसर होगा वो डी है। तो निम्नलिखित में से किसका मुख व्यक्ति की ओर है जो जम्मू से है, तो दोस्तों जम्मू यहाँ पर क्यों है, तो इसके सामने दिल्ली लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आएगा या तो ए नाम लिख लो या फिर लिख लें वो व्यक्ति जो दिल्ली से है। तो तीसरा आपका खत्म हो गया। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आगे फोर्थ में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सूरत से है। तो दोस्तों सूरत यहाँ पर लिखा हुआ है और सूरत से जो होगा वो बी होगा। तो चौथे का जो आंसर हुआ है वो आपका ए विकल्प हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। दोस्तों यहाँ पर पांचवा सवाल लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन पुणे से है। तो दोस्तों पुणे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पुणे से जो है वो आर यहाँ पर है, तो पांचवे का जो विकल्प होगा वो आपका ए विकल्प होगा। तो दोस्तों चौथे में भी आपका ए हुआ, पांचवे में भी ए हुआ, तो कोई बात नहीं। तो आप सबसे पहले पजल को अच्छी तरह से बनाएं और उसके बाद में जो पूछा जाए उसका अच्छी तरह से आंसर लगाएं। अब आपके सामने दोस्तों नेक्स्ट पजल आने वाली है, उसको ध्यान से देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर पजल नेक्स्ट आ चुकी है और आप इसको ध्यान से देखें। इसमें बोला कि कुछ व्यक्ति पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि सभी का मुख जो है उत्तर दिशा में है। तो सबसे पहले आपको चेहरा दिया हुआ है, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे इसने बोला कि सी और एम के मध्य केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। तो दोस्तों सी और एम के बीच में यदि दो व्यक्ति बैठे हैं तो इसके दो केस बनेंगे। पहला केस यहाँ पर मैं बना लेता हूं जिसमें आपको लिखा मिलेगा कि सी यहाँ पर होगा और दो छोड़ के एम इधर आ जाएगा, और दूसरा केस यहाँ पर होगा कि एम इधर लिख देता हूं और दो छोड़ के सी। तो सी और एम के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो इसके दो अलग अलग केस यहाँ पर बना लिए हैं। आगे लिखा है कि आर और एम के मध्य केवल सात व्यक्ति बैठे हैं। तो दोस्तों एम इधर आर इधर सात व्यक्ति बैठा सकता हूं और एम इधर आर इधर सात व्यक्ति इधर भी बैठा सकता हूं, तो अभी कोई फिक्स नहीं हुआ है तो इस पॉइंट को रहने दें। एम और डब्ल्यू के मध्य चार व्यक्ति, तो एम इधर डब्ल्यू इधर चार व्यक्ति इधर भी आ सकते हैं और इधर भी। हर एक पॉइंट से आपके दो दो केस और बनते जा रहे हैं। पहले ये दो केस बने, इसके बाद में दो इसके और दो इसके चार और केस यहाँ पर बन सकते हैं, तो अभी कोई फिक्स बात नहीं हुई है, तो आगे बढ़ते हैं। कोई फिक्स यदि बात होगी तो भी हम यहाँ पर बना पाएंगे। आगे जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बोला गया है कि आर और डब्ल्यू के केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं बीच में। तो दोस्तों आर और डब्ल्यू भी सेट नहीं हुआ, सी डब्ल्यू के निकटतम पड़ोसी ये भी फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट कौन सा है? तो दोस्तों फिक्स पॉइंट ये वाला है कि केवल 14 व्यक्ति एम के बायनी ओर बैठे हैं। तो दोस्तों एम यहाँ पर है, चेहरा सबका उत्तर दिशा में है, तो बाया ये होगा, तो केवल 14 व्यक्ति बैठे हैं, तो तीन व्यक्ति एम के बायनी ओर बैठ चुके हैं, ये चौथा होगा। वैसे वैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 यहाँ पर सेट कर दिए। तो एम के बायनी ओर केवल 14 व्यक्ति बैठेंगे, इसमें भी ऐसा होना चाहिए, तो इधर भी मैं 14 व्यक्ति बनाता हूँ, जगह कम है इसलिए छोटा सा लिख देता हूँ कि एम के बायनी ओर 14 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
आठ, नौ और दस, 11, 12, 13 और 14। तो दोस्तों ये वाले पॉइंट आपका सेट हो गया। केवल 14 व्यक्ति जो है एम के बाईं ओर बैठे हैं और इसने बोला कि एन जो है एम के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा। दोस्तों एन एम के दाएं, इसका मतलब एम का चेहरा ऊपर तो दाएं इधर होगा, तीसरे स्थान पे बोला इसका मतलब दो छोड़ के इधर एन आएगा, तो एक ये केस होगा। इस केस में एम का चेहरा उत्तर दिशा में है तो एम का दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर बोला गया, तो तीसरा मतलब दो छोड़ के एन आएगा। लेकिन इधर तो दोस्तों सी आ गया और इधर सी आ गया, तो ये वाला पॉइंट आपका गलत हो गया। इसका मतलब इस केस में ये वाली पजल आपकी नहीं बनेगी। और आगे इसने बोला कि एन जो है एम के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर बैठा है और पंक्ति के एक सिरे पर बैठा, इसका मतलब एन जो है इस किनारे पे लास्ट यहां पर होगा। इसका मतलब ये एन जो है ये पंक्ति के दाहिनी ओर है और बाकी सब इधर होंगे, लेकिन एम के बाईं ओर 13 ही व्यक्ति होंगे। इसका मतलब ये पंक्ति का इधर भी किनारा फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जो पजल बनेगी वो इतनी ही बनेगी। अब आपको इसी के अंदर आपको सोचना होगा दोस्तों। दोस्तों ये वाला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो पॉइंट हमने छोड़े थे उसको देख लेते हैं। इसने बोला था कि आर और एम के मध्य केवल 7 व्यक्ति बैठे हैं, तो अब आर उधर नहीं बैठ पाएगा तो आर इधर ही बैठेगा, और 7 व्यक्ति बीच में बैठे हैं तो 7 छोड़ देते हैं। तो एम इधर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसका मतलब अब यहां पे आर आएगा। तो ये वाला सेंटेंस भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे लिखा है कि एम और डब्ल्यू के मध्य 4 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, तो दोस्तों W इधर फिर से नहीं आएगा, इधर ही आएगा। और 4 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं तो 1, 2, 3, 4 छोड़ के पांचवा छोड़ के W इधर ही कहीं आएगा। तो यहां पर मैं सेट कर देता हूं कि यहां पर 4 से अधिक 5 या 5 से अधिक उधर W आएगा छोड़ के। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट आपकी का अभी फिक्स नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। और इसने बोला कि R और W के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो दोस्तों R यदि यहां पर है तो 3 छोड़ के W यहां पे लिखूंगा, तो W और M के बीच में 3 से अधिक व्यक्ति, 4 से अधिक व्यक्ति नहीं आएंगे। इसका मतलब W R के भी उधर आएगा, और R W और R के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1, 2, 3 छोड़ के W यहां पर लिखूंगा। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट W का जो अनसर्टेन था वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब आगे लिखा है कि सी और डब्ल्यू निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी और डब्ल्यू भी यहां पर सेट हो गए दोस्तों। आगे इसने बोला डब्ल्यू एम के बाईं ओर बैठा है, तो दोस्तों एम यहां पर है, उसका चेहरा ऊपर है, तो ये बाया हो गया और ये दाहिनी ओर, तो डब्ल्यू एम के बाईं ओर यहाँ पे पहले से ऑटोमेटिक सेट हो गया। तो दोस्तों ये एक पजल की हर एक पॉइंट को मैंने ध्यान से पढ़ा, और जब मैंने पढ़ा तो ये वाली लाइन आपकी बनी है। अब दोस्तों यहां पर कुछ व्यक्ति यहां पर नाम दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 व्यक्तियों के नाम तो दे रखे हैं, और बाकी के यहां पर व्यक्तियों के नाम नहीं दिए हैं। तो कोई बात नहीं, बैठे तो है लेकिन इन्होंने व्यक्तियों के नाम बताए नहीं है। तो अब इसी पर आधारित जो है 3 सवाल देखने वाले हैं, जिसमें पहला सवाल 6th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दोस्तों यहां पर जो 6th सवाल है इसमें लिखा कि सी और आर के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो दोस्तों यहां पे सी है और इधर आर है, इनके बीच में 1, 2, 3 और 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो 6th का जो आंसर होगा वो बी विकल्प हुआ है। आगे लिखा कि आर के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो दोस्तों आर का चेहरा उत्तर में है, तो ये लेफ्ट मतलब बाया हुआ और ये राइट मतलब दाया हुआ। आर के बाईं ओर पूछा तो इधर देखना है, और आर के बाईं ओर जो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो 7वें का जो आंसर होगा वो डी विकल्प हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों यहां पर जो 8वां सवाल है इसमें बोला गया है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो दोस्तों आपको सभी व्यक्तियों को गिनना है। यहां पर पंक्ति कितनी बड़ी है तो गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो दोस्तों पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो हमारा जो आंसर आया है वो यहां पर सी विकल्प हुआ है। तो दोस्तों आपने इस पजल सेकंड को भी ध्यान से देखा, ये पजल भी काफी अच्छी थी। अब आगे बढ़ने वाले हैं, पजल तीसरी आपके सामने ये रही। दोस्तों यहां पर जो पजल 9 से 10 दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि प्लेट एफ और बी का आकार जो है प्लेट ए से बड़ा है। जो प्लेट बड़ी होगी दोस्तों हम उसको ऊपर रखेंगे, और जो प्लेट छोटी होगी उसको हम नीचे रखेंगे, और वो भी ये आकार के अनुसार है। तो एफ और बी आकार में प्लेट ए से बड़े हैं, तो
तो इसका मतलब यहां पे एफ लिखेंगे और यहां पे बी लिखेंगे, ये दोनों जो हैं ए से बड़ी हैं तो यहां पर ये आएंगे। लेकिन दोस्तों एफ और बी ए से बड़ी प्लेट तो है, लेकिन एफ और बी का कंफ्यूजन हुआ कि एफ बड़ी के बी बड़ी, तो यहां पर एक और केस बनेगा, एफ और बी ए से बड़ी प्लेटें हैं लेकिन यहां पर एफ और बी में कंफ्यूजन है, इसलिए बी एफ और ए ऐसे भी तो सेट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे इसने बोला कि प्लेट सी जो है ए से बड़ी है, तो ये हम दो केस यहां पर बना रहे थे, लेकिन ये तीसरा केस आया, इसने बोला कि प्लेट सी जो है ए से बड़ी है लेकिन एफ और बी से छोटी है। तो दोस्तों सी ए से बड़ी है तो ए के कहीं ऊपर आएगी, और एफ और बी से छोटी है तो एफ और बी यहां पर लिखे, इसका मतलब ये प्लेट सी जो है यहीं पे सेट होगी दोस्तों। तो ये वाला पॉइंट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, और डी सबसे छोटी नहीं है लेकिन सी से छोटी है, तो दोस्तों डी जो है यहां पर सबसे नीचे, किसी प्लेट में सबसे नीचे डी नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये कंफर्म है कि सी के कहीं नीचे ही होनी चाहिए, तो ये वाला पॉइंट अभी अनसर्टेन है। आगे इसने बोला कि प्लेट एफ का आकार प्लेट ई से छोटा है, तो दोस्तों एफ ई से छोटी है तो ई यहां पर, और इस केस में ई इधर भी हो सकता है और इधर भी, लेकिन इसने बोला कि एफ का आकार ई से तो छोटा है लेकिन बी से बड़ा है, तो दोस्तों एफ का आकार यदि ई से छोटा है तो यहां पर आएगा, और उसने बोला कि एफ का आकार बी से बड़ा है तो इसमें बी से बड़ा हो चुका है। अब इस केस में देखने वाले हैं एफ का आकार ई से छोटा हो, तो दोस्तों एफ का आकार ई से छोटा हो तो ई कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन इसने बोला, लेकिन यहां पर एफ के बारे में बोला एफ बी से बड़ा हो, तो दोस्तों एफ बी से बड़ा इस केस में नहीं हुआ, एफ तो इस केस में बी से छोटा हो गया। तो दोस्तों यहां से इस दो लाइनों में दो केस बन तो रहे थे, लेकिन इस लाइन जो है इस वाले केस को गलत कर दिया, तो इसका मतलब अब यह जो सी और डी सेट होंगे वो यहीं पे सेट होंगे, लेकिन डी जो है इस पंक्ति में सबसे नीचे आएगा नहीं, लेकिन सी के नीचे होना चाहिए, इसने ये भी बोला, डी सबसे नीचे भी नहीं लेकिन सी के नीचे हो, इसका मतलब इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को जब मैंने प्लस किया, मतलब प्लस का मतलब जब मैंने ऐड किया, तो ये लाइन ऐसी बनी, ई सबसे ऊपर, एफ सेकंड नंबर पे, बी तीसरे स्थान पे, सी ऊपर से चौथा। अब डी जो है यहां पर लिखेंगे सी के तुरंत बाद में, सी के तुरंत बाद में नहीं लिखा तो सबसे नीचे डी लिखना पड़ेगा, और इसने बोला कि डी तो सबसे छोटी प्लेट है ही नहीं, तो इसका मतलब डी यहां पर आएगा और फिर ए वाला प्लेट यहां पर लिखा जाएगा। ये वाला पॉइंट आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे इसने बोला कि तीसरे सबसे बड़ी प्लेट यहां पे 132 सेंटीमीटर की है, तो दोस्तों सबसे बड़ी प्लेट सबसे ऊपर है, पहली सबसे बड़ी प्लेट सबसे ऊपर ई है, दूसरी यहां पर एफ है, और तीसरी सबसे बड़ी प्लेट यहां पे बी है जो कि 132 सेंटीमीटर की है, तो यहां पर मैंने लिख लिया है। आगे इसने बोला सबसे छोटी प्लेट 69 सेंटीमीटर की है, तो सबसे छोटी यहां पर ए है, तो दिस वन 69 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये वाली पजल आपकी सेट हो चुकी है। अब इस पे आधारित जो दो सवाल है उसमें नाइन्थ सवाल आपके सामने ये रहा। दोस्तों यहां पर जो नाइन्थ सवाल है इसमें एक संभावना पूछी है कि सी का मान क्या हो सकता है, कंफर्म नहीं होगा तो भी चलेगा क्योंकि सकता यहां पर एक पॉसिबल आंसर पूछा है। तो सी का मान जो है 132 सेंटीमीटर से कम एंड 69 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए। तो पहले तो आप वो देख लो जिसमें सी का मान 132 से ज्यादा दे रखा है, वो आपका गलत होगा। तो 132 से ज्यादा बी यहां पर गलत हो गया, 132 से ऊपर सी का 169 गलत हो गया, एंड 132 से ऊपर 158 सेंटीमीटर गलत हो गया। सी का मान जो होगा वो 69 एंड 132 सेंटीमीटर के बीच में कहीं होगा, तो यहां पर कौन सा हो सकता है, तो हम लिखेंगे ए विकल्प आपका आंसर हो सकता है। ई नहीं यहां पर क्योंकि संभावना पूछी है, एग्जैक्ट नहीं होगा तो भी चलेगा, तो नाइन्थ का जो आंसर आया है वो आपका ए विकल्प हुआ है। आगे इसने बोला कि कौन सी सबसे बड़ी प्लेट है आकार के अनुसार, तो दोस्तों आकार के अनुसार सबसे बड़ी प्लेट जो है सबसे ऊपर लिखी है मैंने, और सबसे ऊपर जो है ई है, तो आकार के अनुसार सबसे बड़ी प्लेट जो है आपकी ई है, और ऑप्शंस के हिसाब से आपका आंसर जो है डी विकल्प होगा। तो दोस्तों आई होप कि ये 10 सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत ही आसान तरीके से यहां पर समझाए गए। दोस्तों इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए वीडियो में जो लिंक दे रखी है उस पर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, दोस्तों आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं टेलीग्राम के हिसाब से, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों आप अपने सभी
दोस्तों के साथ में, आपके फैमिली मेंबर्स जितने भी स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ने वाले हैं उसमें आप शेयर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।